सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वॉज रीडिंग दिस बुक फ्लेमिंगो 10+2। ओके, आई रीड अ लॉट सो दैट आई कैन सेव माई सेल्फ इन द क्लास, that students are not get not bored in my lecture. I prepare, so I read. Do you read? Are you reading books nowadays? Your exams are close, getting closer and closer day by day. ठीक है, reading की habit तो होनी चाहिए एक students के अंदर, yes or no? है ना, क्योंकि अगर हम read करेंगे तो reading books ही हमें बचाएंगी stress से, क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस कम होता है रीडिंग से, है ना। एंड बुक्स विल सेव अस फ्रॉम इग्नोरेंस बिकॉज दे गिव अस नॉलेज, एंड बुक्स सेव अस फ्रॉम मेमोरी लॉस ऑल्सो, क्योंकि व्हेन वी रीड ए बुक, है ना, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, है ना, एंड इट इम्प्रूव्स, आवर कंसंट्रेशन इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, डू यू हैव बुक्स, यस और नो? बुक्स तो होंगे आपके पास, स्टडी करते होंगे आप, है ना, और करनी भी चाहिए, क्योंकि बुक्स ही तो हैं जो आपको बचाएंगी फेलर से भी, है ना, मुझे बचाएंगी स्ट्रेस से, दे विल सेव मी फ्रॉम इग्नोरेंस, आपको भी मेमोरी लॉस से भी, और साथ ही आपको बचाएंगी, इफ़ यू आर 10th क्लास स्टूडेंट एव यू आर रीडिंग दिस बुक, इट विल सेव यू फ्रॉम फेलर, है ना। या आपने ऐसा है कि ये बुक परचेज ही नहीं किया अभी, येस आई एम टॉकिंग अबाउट फुट प्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th बुक इट इज़, है ना, तो ये आपने परचेज तो कर ली होगी, तो या नहीं किया है, या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यूट्यूब पर मेरे लेसन देखकर ही आप चाह रहे हैं कि हमारा क्लास हो जाए, और आपके पास कोई बुक नहीं है। कैन यू इमेजिन कि वट विल बी आवर फ्यूचर, जैसे आप YouTube से पढ़ रहे हैं, है ना, तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी क्या होने वाली है, स्कूल डेज, स्कूल में जाना और बुक्स पढ़ना, है ना। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें भी जो हैं, स्कूल एंड दीज बुक्स आर गोइंग टू बी थिंग ऑफ द पास्ट। क्या होने वाली हैं ये? पास्ट की थिंग्स होने वाली हैं, इट्स गोइंग टू बी, है ना, और हम याद किया करेंगे कि कभी बुक्स हुआ करती थी, देयर यूज टू बी बुक्स ऑन एवरी टॉपिक ऑन एवरी सब्जेक्ट, वाओ दोज वर, है ना, डेज, है ना, क्योंकि आजकल बुक्स भी जो हैं इसी में ही आ गई हैं, डिजिटल वर्जन आ गया है, ई बुक्स पढ़ते हैं हम, है ना। सो वी कैन से बुक्स आर वेरी पावरफुल, एस्पेशली दिस बुक। मैं ये कहूँगा, अगर मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ कि बुक्स आर वेरी पावरफुल, तो मैं इस बुक को कहूँगा कि दिस बुक इज़ द मोस्ट पावरफुल बुक इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस अर्थ। आई मस्ट से दिस बुक, मदर गूज बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, इज द मोस्ट पावरफुल बुक ऑन दिस अर्थ। क्यों कहूँगा मैं? आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बातें कर रहे हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ नर्सरी राइम्स, डॉट्स, पिक्चर्स, याद आया आपको? यस स्टूडेंट्स, अगर आप हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा हूँ आपके 10th लेसन की, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और जिसमें हम बात करने वाले हैं इस बुक की, और हुआ क्या था ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर मैं लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट क्लास 10। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? ठीक है, ये हमारा आज का लेसन, और अभी मैंने रैम्बलिंग बंद कर दी है, इधर उधर की बातें करना, आई एम कमिंग टू द टॉपिक नाउ। बिफोर गोइंग फर्दर, आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज एवरी वीक मैं आता रहता हूँ इस तरह के लेसन लेकर, है ना। तो आज का जो ये लेसन है ना, आपको अगर पता ना लगा हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने इस लेसन पर, ड्रामेटाइज्ड वर्जन जो है इसका, क्योंकि ये एक ड्रामा है, प्ले है ये, है
है ना, दो सीन हैं जिसके अंदर। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक जो है ड्रामेटाइज वर्जन इसका दिया है, ये इसका थंबनेल है और ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ये यहाँ पर क्लिक कीजिए आप और ये आपको लेकर जाएगा इसके ड्रामेटाइज वर्जन पे। उसको आप 20 मिनट दीजिए, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, जस्ट 21 मिनट्स। ठीक है, आज जो है मैं लेकर आया हूँ इस लेसन में, हम डिस्कस करेंगे लेसन की समरी के बारे में और लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो इस लेसन से पूछे जाते हैं इन योर फाइनल एग्ज़ाम्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, वी विल स्टडी दिस। तो शुरू करते हैं हम। तो ये जो है एक ड्रामा है, ठीक है, प्ले है ये, जिसके अंदर टू सीन हैं और टाइम है इसमें 25th सेंचुरी का, ये प्लेस है, टाइम जो है ना, और दिस प्ले इज़ प्लेस्ड इन 25th सेंचुरी। ठीक है, और उसके अगर सीन वन की बात करें इस प्ले के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द म्यूज़ियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री है ये, और एक हिस्टोरियन है जो कि ये सारा आपको बता रही हैं, स्टेज पर बैठी हुई हैं वो एक्सप्लोरिंग, वो बता रही हैं कि हाउ देयर यूज टू बी बुक्स इन 20th सेंचुरी। ठीक है, द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड इरा ऑफ द बुक। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अवेलेबल अबाउट एवरीथिंग। जो इस ड्रामे का जो टाइम है वो 2500 है, 25th सेंचुरी है, और हम याद कर रहे हैं कि 20th सेंचुरी में क्या है, बुक्स हुआ करती थी। जैसे मैंने अभी बताया ये बुक्स जो हैं थिंग ऑफ द पास्ट होने वाली हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि 400 साल फ्यूचर में क्या होने वाला है, लगभग 2500 के आसपास हम ये सोचा करेंगे कि 2040 में या 20th सेंचुरी में देयर यूज टू बी बुक्स ऑन अबाउट एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पर हिस्टोरियन भी ये बैठी हुई हैं स्टेज पर और उसके ऊपर जो है लाइट पड़ रही हैं और वो एक्सप्लोर कर रही हैं कि हाउ देयर यूज टू बी बुक्स इन 20th सेंचुरी एंड दैट सेंचुरी वाज कॉल्ड इरा ऑफ द बुक बिकॉज देयर यूज टू बी बुक्स ऑन एवरी सब्जेक्ट अबाउट एवरी थिंग ऑल सब्जेक्ट्स, है ना। और वो बता रही हैं कि कैसे मार्शियन इन्वेजन जो है 2040 में हुआ, और वो बोलती हैं कि मैं आगे स्टोरी स्कोप खोलती हूँ अपना और स्पॉटलाइट जो पड़ती है फिर मार्स स्पेस कंट्रोल प्रोब वन जो है उस पर पड़ती हैं, उन्होंने जो मार्स स्पेस कंट्रोल, ये आप देख सकते हैं ये सीन है, और उन्होंने प्रोब वन भेजा है अर्थ पर, है ना, और वहाँ से वो जो है लैंड कर चुका है अर्थ पर उनका प्रोब वन जो है स्पेस क्राफ्ट, और वहाँ से जो है थिंक टैंक और नूडल, यहाँ पर जो करेक्टर की हम बात करें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि थिंक टैंक है जो वहाँ का रूलर है मार्स का, और नूडल हैं जो उनके अप्रेंटिस हैं, वो दोनों जो हैं गाइड कर रहे हैं नीचे जो गए हैं अर्थ पर जो उस प्रोब वन को जो हैं, दे आर गाइडेड बाई है ना थिंक टैंक एंड नूडल, और जो उस स्पेस प्रोब वन में गए हैं वे हैं जो एक तो सार्जेंट ऊप हैं, कैप्टन ओमेगा इज़ देयर, लेफ्टिनेंट आयोटा भी गए हैं, सार्जेंट ऊप भी गए हैं, है ना। तो थिंक टैंक जो है इसमें क्या होता है कि डायरेक्टिंग वो डायरेक्शन दे रहा है मार्स पर रहते हुए कि तो अप्रेंटिस नूडल है वो उसकी हेल्प कर रहा है थिंक टैंक की, है ना, टू कॉन्टैक्ट द क्रू मेम्बर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है एंट्री होती है, तो इसमें नूडल जो है बोलता है कि ओ ग्रेट, क्योंकि थिंक टैंक है वो बोस्टिंग सा और हार्श है, डोमिनेटिंग रूलर है वो, है ना, तो वो बोलता है कि तुमने मेरी सैल्यूटेशन में जो है कुछ वर्ड्स कम बोले हैं, यू लेफ्ट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, तुम इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। तो वो फिर से बोलता है उसके सम्मान में, क्योंकि उसको अपनी बढ़ाई करना बोस्टिंग है वो, है ना, तो उसको अच्छा लगता है तो वो फुलिश है वो, है ना, एक्सप्लोइटिंग तो है ही वो, हमेशा ही रफ है, अनप्लेजेंटली जो उनको ट्रीट करता है नूडल को, जो कि वाइजर भी है उससे, तो वहाँ पर वो बोलता है कि आगे से आप ध्यान रखें। तो नूडल दोबारा जो है उसकी सैल्यूटेशन में बोलता है ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, है ना, रूलर ऑफ दिस यूनिवर्स, तो ऐसे करके वो उसको खुश करता है। तो यहाँ पर वो थिंक टैंक कहता है कि मेरा मिरर लाओ, मैं वो मिरर से अपने बात करता है, ठीक है ना, तो वो मिरर में अपने आप को देखता है कि कौन है इस धरती पर सबसे सुंदर। आह देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट ए
हैंडसम रेस, हम मंगलवासी कितने सुंदर हैं, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, उन भद्दे छोटे छोटे सिर वाले विद देयर टिनी हेड्स, उनसे तो हम कितने अट्रैक्टिव हैं। तो वो मिरर कहता है कि यू, तो वो कहता है क्विकर, जल्दी बोला करो, उसको भी डांटता है, वो मिरर को भी डांट देता है, वो नूडल को भी डांटता है बात बात पे, जो कि उसको अच्छे सजेशन भी देता है ना। तो सीन वन में इतना ही है, उसके बाद सीन टू में हम जाते हैं, तो वहाँ पर जो है सीन टू जो है दो उसमें प्लेस हैं कि एक तो मार्स स्पेस कंट्रोल में है जहाँ पर थिंक टैंक और नूडल हैं, और दूसरा जो प्रोब वन उनका स्पेस क्राफ्ट है वो जहाँ अर्थ पर लैंड हुआ है, सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी का सीन है। तो वो दोनों में सीन टू जो है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब वन, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, दिखाते हैं। और अभी प्रोब वन से वो कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वॉइस कांटेक्ट उनका हो जाता है, वहाँ पर ओमेगा है, आयोटा है, ऊप हैं, देर हैं, वो ओमेगा रिपोर्ट करता है थिंक टैंक को कि सर कि हम यहाँ पर जो हैं सेफली हमने लैंड कर लिया है विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। तो वो बोलता है कि आप कहाँ हैं, तो वो बोलता है कि वी डोंट नो कि वेयर वी आर, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ स्क्वायर प्लेस है ये, हम पता नहीं, अजीब सी चीज़ें हैं ये। तो वहाँ पर आयोटा को पूछा जाता है कि हम कहाँ हैं, तो आयोटा भी कहता है कि आई कांट फिगर इट आउट कि ये क्या चीज़ है। वेल कैप्टन ओमेगा, आई कैनॉट फिगर इट आउट कैप्टन, आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम्स, कुछ ऐसा होता है, आप देख सकते हैं ये आयोटा है, है ना। तो वो कहता है कि ये तो कोई कैसे उसने कहा होगा, ये आप देखिए मैंने प्लेस में से आपके लिए लिया है सीन। तो इस तरह से वो कहता है कि ये लगभग 2000 जो हैं पेक्यूलियर सी चीज़ें हैं, आई कांट से, आई कांट फिगर इट आउट ये क्या चीज़ हैं। और फिर ऊप से पूछा जाता है, ऊप भी कहता है कि आई हैव बीन टू सेवन गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। तो वो बोलता है कि आप ही हमारी हेल्प करें थिंक टैंक की, तो थिंक टैंक बोलते हैं कि आप ऐसे करो, होल्ड करो, है ना, किसी बुक को जो है होल्ड करो आप, हैं, और मैं बताता हूँ कि ये क्या हैं। तो थिंक टैंक कहता है कि ये तो मुझे लगता है पिक्चर देखकर कि ये तो कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, क्योंकि जो ये अर्थलिंग हैं ये खाते बहुत हैं, है ना, ये टिनी हेड वाले जो लोग हैं ना, तो ये एक तरह से सैंडविचेस हैं, मेन स्टेपल है जो कि उनका, और ये आप देख रहे हैं ये स्लाइसेस हैं, ये टू आर द स्लाइसेस एंड बीच में ये जो है फिलिंग है उसकी। तो ये कहता है ये ज़रूर सैंडविच है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर ये सैंडविच है तो ऐसा करो, थिंक टैंक बोलता है ओमेगा को कि यू कन्फर्म माय स्टेटमेंट बाय ईटिंग इट, तो आप मुझे खाकर दिखाओ, ईट इट, खाएं। तो ओमेगा टाल मटोल करता है, वो कहता है आयोटा खाएगा, मेरा जूनियर है। आयोटा कहता है कि मैं कैसे खाऊं, सार्जेंट ऊप ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो वो सार्जेंट ऊप को ही जूनियर होने के नाते वो खाना पड़ता है ना, तो वो पूछते हैं कि ये कैसा था। इट वॉज नॉट डेलीशियस, I don't know how earthlings can get those sandwiches without water, है ना, मैं नहीं जानता कि बिना पानी के साथ वो earthlings लोग कैसे इसको खाते होंगे। तो कहता है it was not at all delicious, ये तो बिल्कुल मार्स की जो है ड्राई डस्ट के जैसा था, है ना। तो नूडल कहता है कि वहाँ पर जो मार्स स्पेस कंट्रोल में कि सर ये जो है कोई सैंडविच नहीं है बल्कि सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि नूडल वाइजर है, नोबल भी है वो, है ना। तो वो थिंक टैंक उसकी बात को काटता है कि यस यस हाँ मैं भी यही कहने वाला था, तो ऐसे करो कि अगर ये सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है तो आप इसको सुनने की करो, इसको कान के साथ लगाओ। तो वो किताब को सुनते हैं, तुमको सुन पा रहे हो, नहीं नथिंग। तो वो कहता है नो ओमेगा कि शायद हमारी जो है फ्रीक्वेंसी जो ठीक नहीं है, है ना। तो यहाँ पर उनको नूडल फिर से थिंक टैंक को करेक्ट करता है कि अर्थलिंक जो हैं सर ये जो है ना कोई ईयर कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि मैंने पता लगाया कि अर्थलिंक जो हैं इनको ओपन करते हैं और वॉच करते हैं, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं। ये मैं वीडियो भी बनाया, इस पर क्लिप दिखाता हूँ आपको।
आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन देम एंड वॉच देम, वे उसे खोलते हैं और देखते हैं, सुनते नहीं है महाराज। ये अच्छा थिंक टैंक कहता है कि ये इसका मतलब आई कम्युनिकेशन है, ईयर कम्युनिकेशन नहीं है। तो ओमेगा जो है उसको खोलता है, कहता है देखो इस बुक में क्या है। तो कहता है कि ओमेगा बोलता है कि इसमें तो सर कुछ पिक्चर्स हैं, डॉट्स हैं, एंड जो हैं छोटी छोटी लाइनें हैं इसके अंदर, आई कांट से कि ये क्या है, है ना। तो इस पर भी नूडल थिंक टैंक को कहता है कि सर जो हमारे साइंटिस्ट ने इनको विटामिन्स दिए हैं, टैबलेट दी हैं, है ना, वो उसको स्वालो करें और उसको डेसिफर द कोड, उस कोड को तोड़ें, पता लगाएं कि वो क्या लिखा है उनके अंदर, कि वो क्या देखते हैं उनको। तो ओमेगा रीड करता है, तो उसके अंदर जो है नर्सरी राइम्स हैं। अब वो उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं और वो सोचते हैं क्या है, तो इस कारण जो है ये, तो वो पहली थिंक टैंक ऑर्डर करता है ओमेगा को कि रीड करो क्या लिखा है इसके अंदर, हैं, वो अपना विटामिन्स लो और इसको डेसिफर द कोड। तो वो पढ़ता है, ओमेगा पढ़ता है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। तो वो देखता है कि अरे बाप रे, ये लोग इतने एडवांस है, इतने प्रिमिटिव तो नहीं है ये लोग जितना मैंने सोचा था। इन्होंने तो जो है मेड्स को भी गार्डन में उगाना सीख लिया है, इन्होंने तो कॉकल शेल और सिल्वर बेल्स, एक्चुअली तो ये फ्लावर्स के नाम हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इन्होंने तो शेल को भी जो है उगाना खेतों में, इतना एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिया है, हैं, और हम क्या सोच रहे थे इनके बारे में, इनकी तो प्रेटी मेड्स भी जो हैं खेतों में उगती हैं, ये तो बड़ी ग्रेट सिविलाइजेशन है। आगे पढ़ो, तो आगे आयोटा रीड करता है, एक और वो मदर गूज राइम्स नर्सरी की जो है देखता है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटल डॉग लव्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो वो देखते हैं इसको, वो मिस इंटरप्रेट करते हैं इसको, है ना, तो सोचता है कि ये तो इनके काउ भी जो हैं मून पर जंप कर सकती हैं, इसका मतलब ये हम पर अटैक करने वाले हैं, और इनके डॉग भी जो हैं हंस सकते हैं, कैसी कैसी गेम खेलते हैं वो, और डिश रैन अवे विद द स्पून, और इनकी डिशेस ऐसी हैं कि जो दौड़ जाती हैं, तो ये तो बड़े एडवांस लोग हैं, हम कहाँ यहाँ पर अटैक करने आ गए, वेयर वी आर रॉन्ग, है ना हमें। तो वो बोलता है कि आगे देखो क्या है, फिर ऊप को बुक दी जाती है, ऊप भी जो है एक थर्ड राइम जो है रीड करता है, ये देखिए ऊप आप देख सकते हैं। Humpty Dumpty sat on the wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. है ना, तो वो देखता है, ऊप कहता है कि सर सर ये देखिए, ये आपने उसने कैसे कहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर तो बिल्कुल मेरे जैसी है। थिंक टैंक ऊप देखता है, थिंक टैंक को दिखाई जाती है कि ये पिक्चर है सर, ठीक है, ये पिक्चर दिखाई जाती है। तो वो देखता है कि ये तो बिल्कुल मैं हूँ, अरे बाप रे, उन्होंने तो मुझे पहचान भी लिया है, हैड ए ग्रेट फॉल, यानी कि वो मुझे मारने वाले हैं, मैं गिर गया हूँ और मेरे सिर पर जो है ऐसा वो हुआ है कि जो अब ठीक नहीं होगा, हैव ए ग्रेट फॉल, है ना, तो मुझे गिरा दिया गया है, इसका मतलब वो अटैक करने वाले हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा और तुम मार्च पर मत आना। तो उस पर नूडल पूछता है कि सर हम कहाँ जाएंगे, कि यू ऑल रन 100 million miles अवे जो है आप दौड़ जाओ, और हम कहाँ जाएंगे, वो नूडल पूछता है। तो बोलता है कि अल्फा सेंचुरियन जो एक स्टार है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा, मार्स को भी छोड़ दो, मेरे लिए जो है एक नया जो है स्पेस जो प्रोब जो है तैयार करो, ठीक है। तो इस तरह से जो एक ये बुक है मदर गूज की, इसने जो है अर्थ को बचा लिया, द बुक दैट सेव द अर्थ, हैंस द टाइटल आप कह सकते हैं कि, है ना, क्लेयर बैको का ये जो है प्ले है लिखा हुआ। और इस तरह से कहानी के प्ले के लास्ट में जो है उस हिस्टोरियन एक बार फिर से एंट्री मार, एंड दैट इज़ हाउ एन टस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द अर्थ फ्रॉम द मार्शियन इन्वेजन। वो बोलता है कि टुडे आफ्टर 500 ईयर्स वी आर फ्रेंडली विद मार्शियन, क्योंकि अब 2500 है, तो तब तक क्या होगा कि हमारी मार्शियन से दोस्ती हो चुकी होगी, है ना।
और वो बोलता है कि 2500 में हैं हम, आज के समय में तो थिंक टैंक नहीं है 2040 की तरह, 2040 में जो था रूलर मार्च का जो था थिंक टैंक था, अभी जो हैं वो वंडरफुल जो हैं किंग हैं, नूडल जो हैं बड़े वाइज हैं, क्लेवर हैं, वे बन चुके हैं हमारे साथ, वो फ्रेंडली हैं, है ना। और हमने जो है, हिस्टोरियन बता रहा है ऑडियंस को कि डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेज एंड बुक्स जो है मार्शियंस को बता दिया है, एंड वी हैव टॉट देम इवन हाउ टू रीड भी हमने बताया है, और हमने जो मार्स की कैपिटल है मार्सोपोलिस, तो वहाँ पर भी जो है अपनी एक मॉडल लाइब्रेरी जो है वहाँ एस्टेब्लिश किया है, है ना। बट वन थिंग जो है हिस्टोरियन ऑडियंस को बताता है कि एज यू माइट एक्सपेक्ट इज दैट दे आर अफ्रेड ऑफ वन थिंग, है ना, एंड दे नेवर रीड अ बुक विच इज़ मदर गूज, यू हैव गेस्ड इट राइटली। ठीक है, होप कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस लेसन की जो है एक्सरसाइज हैं, दोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जाम्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें आता है इम्पोर्टेंट कि व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, इरा ऑफ द बुक क्यों कहा जाता था। तो जैसा आपने पढ़ा कहानी में, येस इट विल बी द आंसर कि इन दोज डेज जो है देर वर बुक्स अबाउट एवरी थिंग फ्रॉम एंड इटर्स टू जुलूस, है ना, जो है बुक्स टॉट पीपल इन दोज डेज व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड वाई टू डू। ठीक है, तो दे एक्सप्लेन्ड पीपल एवरी थिंग, एजुकेटेड दैम, डायरेक्टेड दैम एंड इवन डेकोरेटेड दैम, है ना। दैट इज़ वाई 20th सेंचुरी कॉल्ड द इरा ऑफ द बुक, बिकॉज देर वर बुक्स अबाउट एवरी थिंग। तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इसमें, हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। आपने देखा लेसन में 2040 में किसने अटैक किया था, मार्शियन ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन 2040। तो ए मैंड स्पेस प्रोब वन वॉज सेंट टू द अर्थ फ्रॉम मार्स स्पेस कंट्रोल, एंड माइटी थिंक टैंक वॉज द रूलर ऑफ मार्स एट दैट टाइम। तो आप ये देखिए कि इन्वेट किसने किया था, तो मार्शियंस ने किया था, ये लिख सकते हैं आप इसके आंसर में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड आता है, व्हाट गैसेज आर मेड बाई थिंक टैंक अबाउट बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। तो जो किताबें उसको मिलती हैं कि बुक्स के बारे में वो क्या क्या गैस करता है, ये क्वेश्चन आता है। थिंक टैंक कभी तो उसको कुछ बोलता है, नूडल फिर कुछ बात करता है, फिर वो उसको हाँ करता है, हाँ ये हो सकता है, तो उसकी गैसेज क्या हैं ये पूछा जाता है। तो थिंक टैंक की फर्स्ट जो है ही टेक्स देम टू बी ईटेबल्स, है ना, उसको सैंडविचेस मानता है कि ये फीलिंग है और ये उसकी ब्रेड है, है ना, एंड आस्क ऊप टू ईट इट। ठीक है, तो ईट दैट, देन ही कॉल्स देम कम्युनिकेशन डिवाइस, कहता है कि इसको सुनो, है ना, लिसन टू दीज डिवाइसेस, और फिर कहता है कि नहीं नहीं ये सुनने की नहीं है, बल्कि ये तो ओपन एंड वॉच करते थे इसको, तो वो कहता है ना। तो कभी कुछ उसको वो लगता है मिस इंटरप्रेट करता है, और राइम्स को वो देखता है तो उसको भी, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, कि वो उसको करेक्ट भी करता रहता है और ऑफेंड भी नहीं करता है, तो वो मैनेज कैसे करता है। तो आपने देखा कि थिंक टैंक जो है बड़ा हार्श है, है ना, वो जो है एक तरह से डोमिनेटिंग है, वो अपने आप को ही कहता है कि बोस्टिंग है वो, कि मैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, बट एक्चुअली जो है वो बड़ा ही फुलिश है वो एक, है ना। तो इसमें आप लिखिए कि वो मैनेज कैसे करता होगा नूडल ऐसे रूलर को, है ना। तो आप लिखिए कि थिंक टैंक इज़ बोस्टिंग डोमिनेटिंग एंड हार्श रूलर हु थिंक्स हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स। हालांकि नूडल इज़ वाइजर देन हिम, बट ही टेक्स केयर दैट व्हेन ही सजेस्ट समथिंग टू थिंक टैंक्स वैनिटी इज़ नॉट ऑफेंडेड, कि उसकी इज्जत मान में उसको नीचा ना दिखे। तो नूडल करेक्ट्स हिम टाइम एंड अगेन विद द फ्रेजेज वो यूज़ करता है, जो फॉर गिव मी, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, योर ब्रिलियंस। तो ये आप लिखिए कि वो क्या क्या जो फ्रेजेज यूज़ करता है। तो व्हेन थिंक टैंक्स टेक्स बुक्स एज सैंडविचेज, तो नूडल्स को करेक्ट करता है कि बाय सेइंग दैट दीज आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, चाहे वो आई की कहता है या ईयर की कहता है ना, दे डोंट लिसन बट ओपन एंड वॉच देम।
एंड सजेस्ट स्पेस पीपल टू टेक विटामिन टू ब्रेक द कोड. जब उनसे वो पढ़ने को कहा जाता है तो बोला जाएगी विटामिन खिलाओ इनको, ऐसे नहीं ये डेसिफर कर पाएंगे कोड को. तो 10 जो है इस तरह से ट्रिक्स से वो नूडल जो है अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक, बट एट द सेम टाइम ही कीप्स करेक्टिंग हिज मिस्टेक्स. ठीक है, सो दीज वर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दोज आर आस्किंग एग्जामिनेशंस. तो ये थे मेरे 3 वीडियोस ऑन दिस लेसन. अगर आपको स्टिल भी कोई इसमें कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन है आपका, एनी क्वेरी है, तो यू फील एट होम है ना, एंड गो टू कमेंट सेक्शन एंड आस्क, आई विल आंसर इट है ना. तो बी इन टच विद मी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और सब्सक्राइब करते वक्त बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बेल का बटन दबाने से ही आपको मेरे भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पर अपने आप मिल जाया करेंगे. ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.